हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल ऑफ एरियंसो ब्लॉग, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के बारे में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो अपकमिंग ब्राइडल के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। एंड अगर आपके घर में किसी की शादी है, आपकी फ्रेंड की, आपकी सिस्टर की या किसी रिलेटिव्स की, तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, एक ब्राइडल के लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक मेकअप किट, क्योंकि जब हमारे फंक्शन होते हैं, संगीत हो गया, मेहंदी हो गई या और शादी के दिन, विदाई के दिन, तो हम एक मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें खुद अपना मेकअप करना होता है। तो गाइज, एक मेकअप किट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक अच्छी मेकअप किट होना बहुत ज़रूरी है, क्यों जिसमें सारे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हों, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, ब्रांडेड हो। एंड बहुत बड़ी किट नहीं आपको लेनी है, एक बहुत छोटी सी किट बनानी है जो बहुत यूजफुल हो। तो गाइज, इस मेकअप किट को बनाते समय इस बात का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके यूज़ में आएगी, नहीं कि आपने मेकअप किट तो काफ़ी सारी भर ली लेकिन उसके जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ में नहीं आ रहे, ताकि आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो जो भी प्रोडक्ट मैंने इसमें बताए हैं गाइज, वो काफ़ी अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के भी है, ताकि आपकी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो मैंने इसमें वही प्रोडक्ट रखे हैं जो आपके यूज़ में आएंगे, ये नहीं कि आपने मेकअप किट तो बहुत बड़ी बना ली बट वो प्रोडक्ट आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं। बाकी आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं जिन चीज़ों की आपको नीड हो, और वैसे मैंने इसमें सारा कुछ ध्यान रखा है कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। और जो ब्रांड मैं आपको बताने वाली हूँ मेकअप की, वो भी काफ़ी अच्छी है, आप आँखें बंद करके उसको ले सकते हैं गाइज। एंड गाइज, ये हमारा पार्ट वन है, एंड पार्ट टू भी हमारा आएगा, जिसमें हम एक छोटी छोटी सी चीज़ का ध्यान रखेंगे, चाहे वो एक आपका सेफ्टी पिन ही क्यों ना हो, जूड़ा पिन क्यों ना हो, उन मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा जो आपकी मेकअप किट में होनी चाहिए। शादी के बाद आपको किसी से बोलने में हेजिटेशन होती है, किसी से भी आप नहीं बोल सकते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो आप अपना सामान पूरा लेके जाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उस किट में हम पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसे उस वीडियो को देख कर आप अपने मेकअप किट पूरी कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा उस वीडियो को देख करके कि आपको लेने हैं। एंड आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सब कुछ इंक्लूड कर दूंगी, जो जो प्रोडक्ट हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर मैं एक एक प्रोडक्ट का नाम भी बताती जाऊँगी, आप चाहें तो कॉपी पेन लेके उसको लिख सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा पार्ट टू है, एंड पार्ट वन है, एंड पार्ट टू को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो। तो गाइस, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेकअप प्रोडक्ट से। तो फर्स्ट गाइस होता है मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइजर सजेस्ट करूँगी, आप ले सकते हो। बाकी आप जो भी यूज़ करते हो, आपकी स्किन को जो भी शूट करता हो, आप ले सकते हो, लेकिन एक मॉइस्चराइजर आपकी किट में होना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर वन आपका हो गया मॉइस्चराइजर। एंड गाइस, सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है प्राइमर। तो यहाँ पर प्राइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आपकी मेकअप किट में एक प्राइमर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप दूसरी चीज़ों में थोड़ा सा कंजूसी कर लीजिए, बट कुछ मेकअप प्रोडक्ट हैं उनको लेने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, उनको अच्छी क्वालिटी का ही लीजिए, बिकॉज आपकी स्किन का सवाल होता है। तो आप लीजिए, मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी प्राइमर कलर वार का, ये मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप ये लो, काफ़ी अच्छा है, तो ये आप ले सकते हैं, ऑल टाइप स्किन पे ये सूट करता है गाइस। तो सेकंड आपका हो गया प्राइमर, जो आपके मेकअप किट में होना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड गाइस, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी फिट मी मैबलिन का फाउंडेशन, जिसका कवरेज भी काफ़ी अच्छा है गाइस। एंड आप फाउंडेशन का यूज़ डेली यूज़ में मत करें, कभी जब आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो या कोई फंक्शन हो तो ही आप इसका यूज़ करें। बाकी आप प्राइमर के बाद कॉम्पैक्ट का यूज़ करके भी अपना काफ़ी अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं गाइस। तो आप फिट मी का फाउंडेशन ले सकते हैं अपनी स्किन के शेड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो फाउंडेशन है वो 238 है, बाकी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं गाइस। ओके, ये काफ़ी अच्छा है, आप हमारा हो गया फाउंडेशन। तो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंसीलर। आपके मेकअप किट में कंसीलर ज़रूर होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर फिट मी मैबलिन का फिट मी और 25 मीडियम शेड्स है गाइज, ये मैंने लिया, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है गाइज, इसे आप अपने मेकअप में ज़रूर ऐड। तो गाइज, जो कंसीलर होता है उसका यूज़ आप अपने फेस पर जो भी स्पॉट हो उसको छिपाने में कर सकते हैं, छिपाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आपके डार्क सर्कल हैं,
और आप अपने आई वेस्ट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जब आप आई शेडो को यूज करते हैं तो एक आई वेस्ट बनाना पड़ता है ताकि आपके जो शेड्स के कलर है वो अच्छे से दिखें। तो आप इसका कंसीलर का यूज करके अपना आई वेस्ट भी रेडी कर सकते हैं गाइस। तो आप अपने मेकअप किट में कंसीलर को भी जरूर से ऐड कीजिए। तो गाइस फिफ्थ हमारा है ये कॉम्पैक्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके मेकअप का। मतलब इसके बिना तो मेकअप आपका अधूरा ही है। आप कुछ मत लगाइए, आप फाउंडेशन मत लगाइए, आप सिर्फ प्राइमर लगाइए, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, तो आपको खुद फर्क समझ में आ जाएगा। तो ये है गाइस लैक्मे का कॉम्पैक्ट। इसमें दो सेट्स आते हैं, एंड ये है रोज़ फेयर, एंड एक और आता है गाइस, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी ये रोज़ फेयर सारे स्किन टाइप पे शूट कर जाता है, काफ़ी अच्छा है गाइस ये। और मैं जितने भी मेकअप आपको बता रही हूँ सारे ब्रांडेड ही बता रही हूँ, कोई भी ऐसे नहीं है जो लोकल हो। तो आप आँख बंद करके इनको ले सकते हैं गाइस। तो और ये गाइस एक चीज़, ये इस तरह के क्लॉथ में इसको रखते हैं बिकॉज ये काफ़ी सेफ्टी के साथ रखा जाता है, बहुत जल्दी ये टूट जाता है। तो आपको इसे बहुत सेफ्टी से रखना है क्योंकि टूटने का डर रहता है गाइस। लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको अपने मेकअप किट में ज़रूर ऐड करना, बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस ये 5 प्रोडक्ट हमारे हो गए। अब हम आती है, इससे हमारा बेस तैयार हो गया फेस का। ओके, तो बेस हमारा इन 5 प्रोडक्ट से कम्प्लीट हो जाता है। अब हमारा आई मेकअप हो गया, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले काजल। अरे यार यू प्लीज़ यार, तो हर वीडियो में ऐसे ही करते हो, बीच में आ जाते हो, बैठ जाते हो आके। चलो अच्छा हाय कर दो तो फिर। आई गाइज ये है मेरा छोटा सा प्याला सा बेटा जो मेरे को वीडियो नहीं बनाने देता है। क्या चलो जाओ मैं बना ले मेरे वीडियो प्लीज। नो क्यों। तो गाइज अब हम आते हैं आईज मेकअप पर, जिसके लिए हमें लगेगा काजल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना तो हमारा मेकअप अधूरा सा लगता है। अगर आप काजल लगाना पसंद करते हैं तो, बट मुझे नहीं लगता कि काजल लगाना, बहुत ही रेयर लोग होंगे जो काजल नहीं लगाते होंगे। तो आप एक काजल अपने किट में ऐड कीजिए, एंड लाइनर जो कि मोर इम्पॉर्टेंट है, एंड एक आईब्रो पेंसिल, एंड मस्कारा। तो गाइज इसमें मैं आपको बताती हूँ, काजल आप जो लीजिए वो लैक्मे का लीजिए, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलता है एंड फैलता कम है। तो आपको ये लैक्मे का नहीं है, ये दूसरा कोई ब्रांड है जो कि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, बट आप लैक्मे का लीजिए। आपका हो गया गाइज काजल, एंड जो आपको लैक्मे का ले सकते हैं या फिर आपको जो भी पसंद हो वो आप ब्रांड ले सकते हैं। एंड तो गाइज एक आईब्रो पेंसिल हमारी किट में ज़रूर होनी चाहिए। तो ये जो आईब्रो पेंसिल है ये कलर एसेंस की है, और इसका जो शेड है वो 02 डार्क ब्राउन है। और आप जब भी आईब्रो पेंसिल लें तो ब्लैक कलर की मत लीजिए, ब्राउन कलर की लीजिए, ताकि आपका जो भी टच, आपकी जो आईब्रो है उसमें नेचुरल दिखना चाहिए, ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता है गाइज। और ये मल्टी फंक्शन है, 3-in-1 है गाइज, काफ़ी अच्छी ये पेंसिल है, और इसको आप बहुत ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप इस ये कलर एसेंस की आईब्रो पेंसिल ले सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं लाइनर। लाइनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हमारी आँखें काफ़ी बड़ी लगती हैं एंड बहुत अच्छी लगने लगती हैं, सुंदर दिखने लगती हैं। तो लेकिन लाइनर में क्या होता है ना, हर कोई लाइनर अच्छे से नहीं लगा पाता है। तो मैं आपको बोलूँगी कलर एसेंस का लाइनर है, एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है, एंड लगाने में ये बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छे से इजी लग जाता है। आप देख इसको, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इसको आप चलाएंगे ना इतना प्यारे तरीके से चलता है ये, देखिए। तो आप ये वाला लाइनर ले सकते हैं। एंड गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे मेकअप प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ इनका यूज़ करके एक मेकअप क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से किया जाएगा मेकअप, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूँगी मेकअप की भी। मैं आपको पूरा A to Z मेकअप करके दिखा दूँगी इन प्रोडक्टों से जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इनको यूज़ करने में। तो गाइज़ ये आपकी हो गई आईब्रो पेंसिल, सॉरी ये आपका हो गया लाइनर। ओके गाइज अब हम बात कर लेते हैं मस्कारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी आईज़ के लिए, क्योंकि इतना आईज़ मेकअप जब हो जाता है गाइज तो वो लुक अलग ही आ जाता है। आप पूरा वेस तैयार कर लो फेस का, बट आपने अगर आईज़ मेकअप अच्छे से नहीं किया है तो मज़ा नहीं आता है गाइज मेकअप में। तो यहाँ पर ये जो मस्कारा है ये मेवलिन का है, आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप ये भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है।
ये भी मैंने यूज़ किया है काफ़ी टाइम तक। अब मैं जो मेरे पास एक मस्कारा और है जो अभी मेरे पास नहीं है, इस टाइम मुझे मिल नहीं रहा है एक्चुअली, कहीं खो गया है तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, वो है कलर बार का मस्कारा। एंड उसमें ना दोनों साइड ट्विन वन है, वो एक साइड उसमें जो होता है वो लेंथिंग के लिए देते हैं, एक साइड जो होता है वो देते हैं आपके वॉल्यूम के लिए। तो वो मुझे काफ़ी पसंद है, कलर बार का मस्कारा है, आप वो भी ले सकते हैं आप चाहें तो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी या यहाँ पे एक पिक्चर ऐड कर दूंगी, तो आप देख लेना गाइज। तो आपका हो गया मस्कारा, तो ये 4 प्रोडक्ट हमारे हो गए आइज़ के लिए। एंड गाइज आइज़ में एक चीज़ और, अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो हमें यूज़ करना पड़ता है हमारा आई पैलेट। तो आई पैलेट मेरे पास यहाँ पे गाइज है ये कलर गैजेट बोर्ड, कलर बोर्ड ब्यूटी गैजेट। ये मुझे इसलिए पसंद है, एक तो इसका साइज़ भी अच्छा है, छोटा सा है, कैरी करने में काफ़ी आसानी रहती है। एंड इसमें गाइज हमें सारे कलर अवेलेबल हैं, मतलब सारे कलर मिल जाते हैं जो भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो भी सेट्स आप देख सकते हैं। जिसमें ग्लिटर भी है और आपका मैट भी है, एंड थोड़ा सा हल्का सा शाइनिंग में जो कलर रहते हैं वो भी है। तो आप इन सारे कलर्स का यूज़ करके अपना आईज मेकअप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, और ये कैरी करने में भी काफ़ी अच्छा है गाइज, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं। और चाहे तो आप किसी और ब्रांड का भी आई शैडो ले सकते हैं, लेकिन आप जब भी आई शैडो पैलेट लें तो थोड़ा छोटा साइज का लें ताकि आपको आसानी रहे कैरी करने में। तो गाइज़ ये आपका हो गया आई पैलेट जो कि कलर वर्ल्ड का ब्यूटी गैजेट है। अच्छा पिगमेंटेशन है इसका गाइस, ख़राब नहीं है, मतलब अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई मेकअप आर्टिस्ट तो है नहीं कि आपको बहुत ही कॉस्टली आपको पैलेट लेना है, आपको कभी कभी मेकअप करना है तो उसके लिए गाइस ये अच्छा है, आप ले सकते हैं इसको। तो हमारा आईज मेकअप हो जाता है इसके साथ कम्प्लीट। ओके गाइस, अब बारी आती है हमारा जो बेस हो गया था कंप्लीट, उसके ऊपर जो जैसे हमें हाइलाइटर लगाना होता है, ब्लशर लगाना होता है, तो उसकी बात हम पहले कर लेते हैं। ओके, तो ब्लशर जो हमारे पास स्विच ब्यूटी का ये गाइस है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, पिगमेंटेशन वगैरह काफ़ी अच्छी है और कलर शेड्स भी इसके अच्छे हैं। तो ये है गाइस स्विच ब्यूटी का पैलेट, ये है स्विच ब्यूटी का ब्लशर। ओके गाइज, तो इसमें आपको देख सकते हैं 8 कलर इसमें आपको मिलेंगे, और 8 कलर इसके काफ़ी अच्छे हैं। फिर आप अपने ड्रेसअप के अकॉर्डिंग ब्लश इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइट डार्क जो भी आपको करना हो, काफ़ी अच्छे पिगमेंटेशन है, आप इसको ले सकते हैं। एंड इन सब सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे एंड पिक भी दे दूँगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइज अब हमारा ब्लश हो गया, इसके बाद हम लगाते हैं हाईलाइटर। तो हाईलाइटर भी गाइज मेरे पास ये है स्विच ब्यूटी का, बहुत अच्छा हाईलाइटर है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करती हूँ। अभी मैंने जो लाइट मेकअप किया है मैंने इसी को यूज़ किया हुआ है। एंड गाइज अगर आप चाहें तो ये सिर्फ ले सकते हैं, ये आपका ब्लशर का भी काम करेगा एंड हाईलाइटर का भी, लेकिन बस इसके जो कलर होते थोड़े से शाइन होता है उनमें से हल्का सा, तो इस वजह से अगर आपको मैट कलर चाहिए हो तो आप ये वाला ही लीजिए। एंड हाइलाइटर के लिए आप ये ले सकते हैं, स्विच ब्यूटी का है, बहुत प्यारे प्यारे कलर है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा है गाइज, आप ये ले सकते हैं। तो आपका अब हो गया आपका फेस का जो बेस है एंड जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सारे हमारे हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिपस्टिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिपस्टिक में आपके पास ना 3 कलर्स होने बहुत ज़रूरी है, जो एक रेड कलर हो गया क्योंकि शादी के बाद रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोटस का ले सकते हैं गाइज। लोटस की लिपस्टिक जो आती है, स्टिक लिपस्टिक आती है, काफ़ी अच्छी रहती है, उसका कलर बहुत प्यारा रहता है। एंड मेरे पास ये गाइज है मेवलिन की, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये है गाइज कि अगर आप इसको एक बार लगा लेंगे तो जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक हटेगी नहीं आपके लिप्स से, मतलब 24 आवर्स के, और मुझे तो लगता 48 आवर्स अगर आप नहीं हटाओगे तो ये आपके लिप्स से हटने वाली नहीं, हल्की हो जाएगी बट हटेगी बिल्कुल भी नहीं। इसको हटाने में ना बहुत टाइम लग जाता है एंड ईजिली ये नहीं हटती आपके लिप्स से, तो ये काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपने अगर एक बार लगा ली तो पूरे दिन आपकी ये चल जाएगी। ये गाइज है मेवलिन की, एंड इसको हटाने के लिए ना आपको मेकअप रिमूवर का ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से क्लीन होती है, या वाइप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं बट ये मेकअप रिमूवर से ही अच्छे से क्लीन हो पाती है। तो ये जो हमारा सेट्स है 165 सेट्स है ये,
और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप लेना चाहें तो ये कलर ले सकते हैं, क्योंकि एक लाइट कलर भी हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। ये इस टाइप का कलर है गाइज। एंड एक मैं सजेस्ट करूँगी, एक लिपस्टिक आपके पास होनी चाहिए जो कि थोड़ी सी वेस्टर्न वेयर पर आप अगर चाहें तो लगा सकते हैं। ये 9 to 5 की लिपस्टिक है, लैक्मे ब्रांड है इसका, और ये मुझे गाइस बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ ये आप साड़ी पे या वेस्टर्न ड्रेसेस पे, जीन्स पे, किसी पे भी लगाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है। ये इसका कलर है गाइस, एंड इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ, 20 से 120 करके शेड से इसका, इसका भी मैं आपको दे दूँगी, लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ये आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। एंड बाकी एक मेरे पास नायका की गाइज लिपस्टिक है जो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ, तो जैसे आप घर में नेचुरल मेकअप कर रहे हैं ना उसके लिए काफ़ी अच्छी है और नेचुरल लुक आता है। बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक हमें नहीं अच्छी लगती, हर किसी को पसंद नहीं होती है, तो ये बहुत ही इतनी छोटी सी प्यारी सी नायका ब्रांड है इसका, एंड इसका जो कलर है बहुत प्यारा है, एंड आप इसको अपने बैग में बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, इसके सारे कलर्स आप मंगा सकते हैं, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये। ये कलर हल्का सा इसमें ना शाइनिंग भी रहती है, बहुत लाइट शेड रहता है ये, देखिएगा इस, और अभी मैं अपने लिप्स पर भी इसको लगाई हुई हूँ, बहुत प्यारा लगता है ये मुझे। तो गाइज़ आप ये वाला भी मंगा सकते हैं, इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है, ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगी। ओके गाइज़ हमारी लिपस्टिक हो गई, बाकी आप चाहें तो जो आपको पसंद हो वो लिपस्टिक इसमें ऐड कर सकते हैं, आप किसी और ब्रांड का आपको जो भी पसंद हो आप वो ब्रांड ऐड कर सकते हैं। एंड गाइज़ ब्लैक लाइनर तो कंपलसरी होता है, हर कोई यूज़ करता है, एंड उसके साथ अगर आप कलरफुल लाइनर पर जाना चाहें तो आपके किट में एक ग्रीन लाइनर एंड एक ब्लू लाइनर होना चाहिए, बाकी और कलर हम यूज़ नहीं करते हैं, बट ब्लैक सॉरी बट ब्लू एंड ग्रीन का यूज़ हम करते हैं, काफ़ी सारे ड्रेस की मैचिंग के साथ अच्छे लगते हैं ये लाइनर ब्लू एंड ग्रीन, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी मेकअप किट में गाइस। एंड कुछ नेल पेंट आपके पास होनी चाहिए, जैसे रेड है, पिंक है, या एक ब्लैक नेल पेंट भी आप रखिए, सारी ड्रेसेस पे ये चल जाती है, और उसके साथ ये मेकअप नेल पेंट रिमूवर लेना बिल्कुल भी मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो आई होप गाइस कि ये सारे प्रोडक्ट आपको पसंद आएंगे, एंड आपकी मेकअप के लिए ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट मैं नहीं बोलूँगी कि आपको लेने चाहिए, बाकी आपको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है अलग अलग तरीके के मेकअप करने का, तो आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और मैंने इस किट में वही बताया जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो एंड यूज़फुल हो। कई बार होता है ना हमारी मेकअप किट भरी रहती है बट यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट आपको नहीं बताए, वही बताए जो आपकी मेकअप किट में बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस ये सिर्फ जो मैंने बताया वो सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट है, बाकी का उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, वो सारा कुछ आएगा आपका पार्ट 2 में। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं कि इन मेकअप प्रोडक्टों का यूज़ करके मैं आपके लिए मेकअप क्रिएट करूँ, किस तरह से इनका यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको मेकअप करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह से मेकअप को करना है। एंड आई होप गाइस की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या अपने सिस्टर के साथ जिसकी भी शादी होने वाली हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं गाइस, या उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट वो ले सकती हैं, और आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है गाइस, प्लीज़ गाइस आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, एंड हमारी थोड़ी सी ये हेल्प हो जाती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए ना हमें थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं कि बनानी है गाइस। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर 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 लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस यहाँ एक मिनट, अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके, तो मैं आपके आंसर में उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।